राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि अपने श्रावण मास के त्योहारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ व आषाढ़ मास के त्योहारों का अध्ययन कर लिया। यदि दोस्तों जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो श्रावण मास के त्योहारों के बारे में कर रहे हैं। कौन से त्योहारों के बारे में तो बता सकते हैं, श्रावण मास के त्योहारों के बारे में। श्रावण मास के त्योहारों की यदि हम बात करें तो श्रावण मास में जो दो पक्ष हैं, कितने दो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो कृष्ण पक्ष के त्योहारों की बात कर लेंगे। कृष्ण पक्ष में श्रावण मास में यदि बात करें तो कृष्ण पक्ष के श्रावण मास के एक पंचमी को त्योहार मनाया जाता है, और जो पंचमी कृष्ण पक्ष है इसलिए इस पंचमी का भी नाम है नाग पंचमी। कौन सी पंचमी? नाग पंचमी। और नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा की जाती है, और लोग घरों के सामने जो मुख्य दरवाजे पर गोबर व मिट्टी से नाग की जो आकृति बनाते हैं। नाग पंचमी का जो मेला लगता है उस मेले का आयोजन अपन कह सकते हैं जोधपुर में होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें नाग पंचमी के बाद में जो नाग की दुश्मनी कह सकते हैं किससे होती है, तो होती है नेवले से, और नेवले का होता है नेवली, जो नेवला नवमी। नेवला नवमी आती है, कब आती है नेवला नवमी? तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को, और नेवला नवमी के दिन सबसे बड़ी बात इसे ही कहते हैं निडर नवमी, नेवले की पूजा होती है। क्यों होती है नेवले की पूजा? तो बता सकते हैं जो सर्प है, सर्प के आतंक से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। सबसे बड़ा जो त्योहार है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का, और वो है अमावस्या। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या जिसे कहते हैं हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या कहते हैं इसे? इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, श्रावण की अमावस्या को। इस अमावस्या के दिन देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यदि करें तो राजस्थान का बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, और उस बुड्ढा जोहड़ जो गुरुद्वारा है वहां पर मेले का आयोजन होता है। और ये बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ है तो बता सकते हैं गंगानगर में। तो गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का में आप मेले का आयोजन। उसके बाद में यदि बात करें अजमेर में, कहां पर? अजमेर में मांगली आवास क्षेत्र है, और वहां पर एक मेला लगता है कल्प वृक्ष मेला। ये दोस्तों कल्प वृक्ष मेला है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे वृक्ष मेला जो लगता है वो भाद्रपद जो शुक्ल दशमी को लगती है, लगता है जो वृक्ष मेला एकमात्र जो खेजड़ी में। परंतु ये कल्प वृक्ष मेले की बात करें तो अजमेर में लगता है, जो हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। उसके बाद में यदि बात करें तो टोंक में डिगी कल्याण जी का मेला लगता है। डिगी कल्याण जी का जो मेला लगता है कहाँ लगता है? टोंक में लगता है। हालांकि अमावस्या के तीन प्रमुख मेले हो गए, गंगानगर, अजमेर और टोंक। सबसे बड़ी बात करें तो अमावस्या का सबसे बड़ा संबंध है अपने सबसे लंबे किसान आंदोलन, कितने वर्ष? 44 वर्ष जो चला था 1897 से लेकर ये 1941 तक चलने वाला आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का बड़ा ही संबंध। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता जिनका मूल नाम था भूप सिंह, हालांकि नाम आता है विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक ने श्रावण मास की अमावस्या के दिन ही, या कह सकते हैं इस हरियाली अमावस्या के दिन ही, यहाँ पर बिजोलिया में, कहां पर? बिजोलिया में, मूल रूप तो आता बेरीशाल का बास आता, गांव का नाम है बेरीशाल का बास, और बिजोलिया के बेरीशाल के बास में विजय सिंह पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इसी हरियाली अमावस्या के दिन किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी थी। किसान पंच बोर्ड का सरपंच बनाया था मन्ना पटेल को, और इसी दौरान किसानों के द्वारा गीत गाया जाने लगा, हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में धर्म युद्ध को ठान लो। और ये बात है हरियाली अमावस्या की, यानी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के तीन पर्व अपने को याद रखने हैं।
एक पंचमी के दिन नाग पंचमी आती है, नवमी के दिन नेवला या निडर नवमी आती है, अमावस्या जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। तीन प्रमुख मेले हो गए। इनके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन का अच्छा संबंध है इससे। उसके बाद में यदि हम बात करें श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की, किस पक्ष की दोस्तों, तो हम बता सकते हैं शुक्ल पक्ष की। और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया, अब देखो अपन ने अब तक वैशाख की तृतीया यानी अक्षय तृतीया किसानों का पर्व पढ़ा था। दूसरी बात कर रहे श्रावण शुक्ल तृतीया जिसे कहते हैं छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज कहा जाता है। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, कजड़ी तीज, सातुड़ी तीज, वो भाद्रपद महीने की तृतीया होगी, कृष्ण पक्ष की होगी। ये श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज है। इस दिन क्या होता है, इसे कहते हैं झूला तीज। क्यों कहते हैं झूला तीज? क्योंकि जो महिला या कन्याएं हैं वो बागों में झूला डालती हैं इस दिन। उसके बाद में इसे ही कहते हैं हरियाली तीज, क्योंकि श्रावण मास श्रावण महीना है, हरियाली तीज यानी हरा भरा रहता है, इसलिए इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। इससे देखो एक यही सही है कि तीज त्योहार ले बावड़ी ले डूबी गणगौर, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से जो त्योहारों का आगमन शुरू होता है, और ले डूबी गणगौर, गणगौर के साथ ही त्योहारों का सीजन समाप्त हो जाता है। इसी तीज की मेन बात देखें तो तीज की जो यदि सवारी की बात करें, तीज की सवारी निकाली जाती है जयपुर में, हालांकि कजड़ी तीज का मेला लगता है बूंदी में। श्रावण पक्ष के शुक्ल की बात कर ली, तीज छोटी तीज है, झूला तीज है, हरियाली तीज। श्रावण शुक्ल पक्ष में ही अंतिम दिन कौन सा? पूर्णिमा। कौन सा दिन दोस्तों? पूर्णिमा। पूर्णिमा की बात करें तो इसे कहते हैं रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार, इसे ही कहते हैं अपने। कौन सा? जो नारियल ये वगैरह, ये नारियल पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? नारियल पूर्णिमा भी इसे ही कहते हैं। राखी वगैरह बांधती है बहन अपने भाई के, इसे पवित्र पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र जो संबंध होता है। उसके बाद में यदि बात करें इसी पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन, ब्राह्मण वर्ग है जो अपने जनेऊ वगैरह वो चेंज करते हैं, नई जनेऊ धारण करते हैं, नई जनेऊ इसी दिन धारण करते हैं, यानी ये वो पवित्र होते हैं इसी दिन। क्योंकि प्राचीन काल में जो गुरुकुल व्यवस्था थी, तो गुरुकुल व्यवस्था के दिन इसी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन से ही जो गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, या कह सकते हैं अध्ययन कार्य शुरू होता था, वेदों का अध्ययन वगैरह। तो भैया यदि वेदों का अध्ययन करना है तो जनेऊ धारण करना आवश्यक है, इसलिए ये गो पवित्र यहीं से होते हैं। अपने श्रावण मास के त्योहार देखे जिनमें तीन देखे पहले, कौन सी? नाग पंचमी देखी, निडर या नेवला नवमी, हरियाली अमावस्या। उसके बाद शुक्ल पक्ष में तीज वाला इंपॉर्टेंट है, तीज त्योहार ले डूब ले बावड़ी ले डूबी गणगौर, जो सवारी जयपुर में निकाली जाती है तीज की, और जो मालपुए खीर वगैरह बनाई जाती है घरों में लोगों के, और ये झूला तीज हरियाली तीज कहते हैं, झूले झूले जाते हैं महिलाओं के द्वारा, कन्याओं के द्वारा, पूर्णिमा रक्षाबंधन नारियल पूर्णिमा कहते हैं, गुरुकुल में यज्ञोपवीत होने का दिन है, जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण वर्ग के लोग। धन्यवाद दोस्तों, जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।